इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव और हाईली एंटिसिपेटेड मूवी कल्कि फाइनली रिलीज हो चुकी है और ट्रूली मूवी की जितनी हाइप थी ये उस पर डिलीवर करती है। नाग अश्विन के दिमाग से निकला ये आइडिया क्या इंडियन सिनेमा को चेंज करता है या फिर बस एक ओवर हाइप मूवी बनकर रह जाती है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये भी नहीं आ रहा मैं। तो जैसा हम हमेशा फिल्म की कहानी पर बात करते हैं, कल्कि 2898 AD कहानी है अपनी डेस्टिनी की, कैरेक्टर्स के रिडेम्पशन की जिसे नाग अश्विन के विजन से जस्टिस दिया है। फ्यूचरिस्टिक साइबर पंक वर्ल्ड में सेट कहानी फोकस करती है दुनिया की लास्ट सिटी काशी के ऊपर और कैसे इस वर्ल्ड की वर्किंग होती है। इससे ज़्यादा बताना कहानी के लिए स्पॉइलर होगा, जो कि आप लोग खुद देख कर एंजॉय करना चाहोगे। अब आइए बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स पर और इसे डीप एनालाइज करते हैं। सबसे पहले तो सबसे बड़ा पॉजिटिव है इस मूवी का विजन। नाग अश्विन, जिन्होंने आज से पहले इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल नहीं किया है, उनका इस विजन को देखना जिसके साथ फ्यूचरिस्टिक एलिमेंट और इंडियन हिस्ट्री को मिलाना माइथोलॉजी के साथ काफी शानदार आइडिया था। इसके अलावा मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग टॉप क्लास है। नाग अश्विन ने जो डिटेल्स पर ध्यान दिया है, चाहे वो कॉस्ट्यूम, मूवी का एनवायरनमेंट, विजुअल्स, सभी काफी अमेजिंग था और उनकी मेहनत यहाँ साफ दिखाई देती है। उसके बाद मेरे लिए मूवी के स्टार थे अमिताभ बच्चन और सुप्रीम यास्किन यानी कमल हसन सर के परफॉर्मेंस। दोनों ही एक्टर्स पता नहीं क्या प्रूफ करना चाहते थे, जो कि उनकी परफॉर्मेंस में साफ साफ दिखता है। एक तरफ जहां अमिताभ बच्चन का अश्वत्थामा का कैरेक्टर आर्क काफी अच्छे से लिखा गया है, जिसमें उनके वेल कोरियोग्राफ एक्शन सीक्वेंस, चाहे वो भैरवा से लड़ाई हो या फिर और भी दूसरे एक्शन सीक्वेंसेस, काफी कन्विंसिंग और बिलीवेबल थे। वहीं दूसरी ओर कमल हसन सर का परफॉर्मेंस इस यूनिवर्स के बिग बैड विलन के तौर पर प्योर पागलपन था। इसके अलावा फिल्म के लीड यानी प्रभास ने अपने रीसेंट पिक्चर से यहाँ ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। काफी टाइम बाद वो बाहुबली वाला मिस्चीवियस येट इंटिमिडेटिंग प्रभास देखने को मिला, जो कि काफी टाइम से मिसिंग था। हाँ, स्टार्टिंग में प्रभास का कैरेक्टर थोड़ा ओकेश चल रहा था, जहां मुझे उनकी कॉमेडी थोड़ी ज्यादा फील हो रही थी, पर लास्ट के 45 मिनट में जो क्लाइमैक्स में हुआ वो मेरी इस कंप्लेंट को दूर कर देता है। उस सीक्वेंस के दौरान हुआ एक्शन हो या फिर VFX, सब कुछ बाप लेवल का था और ऐसा लगता है कि ये पिक्चर इंडिया में बनी ही नहीं है। VFX पर आए हैं तो मूवी विजुअली तो फ्लॉलेस लगी मुझे। मूवी अपने CGI VFX में आराम से हॉलीवुड की बिग बजट मूवीज को टक्कर देती है, चाहे वो संभाला हो, काशी हो या फिर कॉम्प्लेक्स के सीन, सभी को काफी आई प्लीजिंग और विजुअली स्टनिंग बनाया गया है। और हाँ, मूवी में महाभारत का एक प्रॉपर 20 से 25 मिनट का सीक्वेंस है और वो भी बिल्कुल स्टार्टिंग में, जो कि शुरू से ही ऑडियंस को ग्रिप करता है और उस सीक्वेंस के लिए नाग अश्विन को स्पेशल प्रेज मिलनी चाहिए। फिल्म में दीपिका का कैरेक्टर वो ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन वैल्यूज और सॉर्ट ऑफ ग्राउंडनेस को प्रोवाइड करता है, जो कि इतने बिग स्केल मूवी में इमोशनल डेप्थ प्रोवाइड करती है। कमिंग टू द नेगेटिव्स, तो हाँ, मूवी में कुछ फ्लॉज भी हैं जो कि आउटराइट बेकार तो नहीं है। एक तो मूवी मैंने हिंदी में देखी तो मुझे इसकी डबिंग ठीक ही लगी। इतनी बड़ी पिक्चर बना रहे हो तो डबिंग थोड़ी बेटर एक्सपेक्ट करी जाती है, जैसे कि बाहुबली या फिर RRR लेवल की। इसके अलावा मूवी का स्क्रीन प्ले थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। महाभारत से शुरू होने के बाद मूवी मोस्टली फर्स्ट हाफ में डिप हो जाती है। श्योरली वहाँ कुछ अच्छे मूवमेंट्स हैं, जैसे अश्वत्थामा की एंट्री, भैरवा, यास्किन और दीपिका के कैरेक्टर इंट्रोडक्शन, पर इसके अलावा मूवी का फर्स्ट हाफ थोड़ा बोरिंग हो जाता है। मूवी बहुत कुछ एक साथ करने की कोशिश करती है, जिस वजह से वो इमोशनल कनेक्ट, वो ड्रामा कभी अच्छे से फील ही नहीं होता। साइड कैरेक्टर्स को हटाकर वही टाइम हमें भैरवा के कॉम्प्लेक्स ऑब्सेशन, संभाला का बैकग्राउंड या फिर यास्किन का वर्ल्ड कैप्चर करने पर दिखाया जाता तो मूवी और भी ज़्यादा एंगेजिंग लगती। ये भी समझ आता है कि ये सभी बिल्डअप ही था और असली बॉम्ब फटेगा पार्ट 2 में, पर स्टिल यही कुछ कंप्लेंट्स थी, जो कि अदरवाइज मूवी काफ़ी ही ऑसम है। और हाँ, मूवी का बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, कुछ जगहों पर अच्छा था तो कुछ जगहों पर एवरेज। ओवरऑल कल्कि 2898 AD नाग अश्विन के दिमाग से निकला एक ऐसा विजन है जो कि हमारी हिस्ट्री और फ्यूचरिस्टिक एलिमेंट्स को कंबाइन करती है। मूवी अपने विजुअल्स, वर्ल्ड बिल्डिंग और एक्टर्स के परफॉर्मेंस पर रिलाई करती है और इन डिपार्टमेंट में वो बिल्कुल टॉप क्लास थी। मूवी अपने 3 घंटे की लेंथ में, जहां आपको फर्स्ट हाफ में थोड़ी स्लो और बोरिंग फील हो सकती है, वहीं इसका प्री क्लाइमैक्स सीक्वेंस और ग्रिपिंग सेकेंड हाफ का कल्मिनेशन एक एपिक क्लाइमैक्स में आपको ऐसा बवाल महसूस करवा देगा कि आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। मूवी में काफी सारे कैमियोज भी है जो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको अच्छे लगे या फिर बुरे। ये तो कन्फर्म है कि कल्कि अब इंडियन सिनेमा में एक ऐसा माइलस्टोन सेट करने वाली है जिसकी आगे आने वाले सालों तक बात करी जाएगी।
तो ये था कल की 2898 एडी का एक डिटेल रिव्यू। अगर मुझसे कुछ पॉइंट मिस हो गया हो तो कमेंट कर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।